नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने बड़े ही आसान और डिज़ाइनर बॉर्डर के लिए फंदे बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ऊन को इस तरह से, नॉर्मल ऊन है ये, इसको मैंने इस तरह से डबल कर लिया है। तो डबल फोल्ड करके हमने जितने हमें फंदों के लिए ऊन चाहिए उस हिसाब से हमने इसकी लेंथ रख लेनी है और उसके बाद इसको हाफ फोल्ड कर लेना है। ये देखें, इसको बीच से इस तरह से पकड़ लेंगे ताकि दोनों तरफ हमारी जो ऊन है वो डबल आ जाए और हमारे फंदे भी पूरे बन जाएं। ये देखें, इस तरह से हमने अब अपनी नीडल को लेना है, सिलाई को लेना है और इस तरह से हमने फंदे डालने हैं। पहले एक बार अंगूठे के बाहर वाली तरफ से हम फंदा डालेंगे और एक बार हम अंगूठे से अंदर वाली तरफ इस तरह से ऊन को उठा के और इस तरह से धागे को लेके हमने दूसरा फंदा भी बना लेना है। इस तरह से हमारे दो दो फंदों का एक फंदा बनता है यहाँ पे। तो ये देखिए, तीन फंदे हो गए। इस तरह से हमें जितने चाहिए फंदे, हमने उतने फंदे हमने डाल लेने हैं। इन डिज़ाइनर फंदों को आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्टिंग में इस तरह से फंदे डालने से क्या होता है कि होल होल दिखते हैं और हमारे कार्डिगन या कैप्स, जिस भी प्रोजेक्ट पे आप डाल रहे हैं, उसके जो बॉर्डर हैं बड़े ही प्यारे बनकर आते हैं। तो ये देखें, बड़ी आसानी से ये फंदे पहले हमने इस तरह से डाल लेने हैं। एक बार अंगूठे के बाहर वाली तरफ से सिलाई को उठा के हमने इस तरह से फंदे डालने हैं और फिर एक बार अंदर वाली तरफ से इस तरह से सिलाई निकालते हुए फंदे डाल लेने हैं। तो जितने सैंपल के तौर पर मुझे चाहिए मैं उतने फंदे डाल लेती हूँ। ये देखिए आप, मैं बेबी स्वेटर बना रही थी उसके लिए मैंने इस तरह से फंदे डाले, तो उसमें बड़ी ही प्यारी लुक आई बॉर्डर की। तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये वाला डिज़ाइन शेयर कर दूं। तो ये देखें, लास्ट में मैंने एक फंदा एक्स्ट्रा डाला है क्योंकि स्टार्टिंग में हमने जब नीडल को घुमा के ऐसे एक फंदा बनाया था तो उसके साथ हमने एक फंदा लास्ट में एक्स्ट्रा डाल लेना है, तो वो हमारा एक पेयर बन जाएगा। तो ये देखें, अब ये उल्टी तरफ आ गया क्योंकि ये सीधी तरफ है। इस तरह से हमारा ये स्टार्टिंग से दिखेगा और ये हमारा रॉन्ग साइड है। यहाँ से हमने अब स्टार्ट करना है डिज़ाइन को। तो ये देखें, ये एक सिंगल फंदा था जो हमने डाला था, इसको हमने सीधा बुन लिया। अब धागे को देखिएगा किस तरह से हमने घुमाना है। इस तरह से धागे को टर्न करके जैसे जाली डालते हैं वैसे बनाना है और फंदे हमने उल्टे बुनते हुए बनाने हैं। अब हमने दो फंदों का एक फंदा किया, जो जोड़ा बना था हमारे फंदे का, एक जो हमने अंगूठे के आगे वाली तरफ से और पीछे वाली तरफ से बना के दो फंदे बनाए थे, तो वो जोड़ा बन जाता है, उसका हमने एक फंदा कर लेना है। ये देखें, इस तरह से दोनों का हमने एक फंदा कर लिया। फिर हमने धागे को इस तरह से घुमाना है कि हमारी जाली बन जाए और इसे ही हमारा ये एक्स्ट्रा फंदा भी बन जाएगा और अगले के हमने फिर से दो फंदों का एक फंदा कर लेना है। स्टार्टिंग वाली सिलाई है तो ये थोड़ी टाइट होती है। अब फिर से हमने इस तरह से धागे को घुमा के जाली बना लेनी है और अगले के दो फंदों का एक फंदा कर लेना है। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्डिगन्स में बनाइए, स्वेटर्स में बनाइए, कैप्स बनाइए, जो भी बना रहे हैं आप। स्टार्टिंग में अगर आप इस तरह से डिज़ाइनर फंदे डालेंगे तो बड़ा ही प्यारे होल वाला डिज़ाइन बनकर आएगा। अभी देखिए, हैवी एक डिज़ाइन का, एक ही लाइन का डिज़ाइन है ये। इस तरह से हमने धागा घुमाते हुए जाली डालते जाना है और आगे दो फंदों का एक फंदा करते जाना है। अब हमने फिर से दो का एक फंदा कर लिया। अब लास्ट में एक फंदा था जो हमने ट्विस्ट करके सिलाई को बनाया था, तो इसके लिए जाली नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पे पहले ही हमारा एक फंदा है, तो एक ही हमने इसको उल्टा बुन लेना है। तो ये हमारी फर्स्ट रो बन गई जो कि हमने रॉन्ग साइड से बनाई है। अब ये हमारी राइट साइड आ गई सीधी तरफ। ये इस तरह से दिख रहे हैं, ये देखें फंदे जो हमने डाले थे वो इस तरह से दिख रहे हैं।
अब हमने क्या करना है, सारे फंदे जो हैं एक एक करके उनको सीधा बुनते हुए जाना है। जो हमने जाली के लिए फंदा घुमाया था, धागे को घुमा के जो हमने जाली डाली थी, उसको भी हमने सीधे फंदे की बुनाई कर लेनी है। और इससे हमारे जो फंदे स्टार्टिंग में हमने जितने डाले थे, स्पोज 20 डाले थे, तो हमारे वो इस तरह से फिर से 20 बन जाएंगे। पूरी सिलाई को हमने सीधी बुनाई करते हुए बुन लेना है। तो सिर्फ हमने रॉन्ग साइड में स्टार्टिंग में वैसे जाली डाल के दो का एक करके हमने बना लेना है, और उसके बाद ऊपर हमारा बॉर्डर बन जाएगा। जिस तरह से आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं, मैं यहाँ पे सारे सीधी सिलाइयों से बॉर्डर बना रही हूँ। तो आप चाहें तो रिब भी बना सकते हैं, 1x1 की, 2x2 की, जैसे भी, और चाहे तो आप सीधा उल्टा बुनकर भी बॉर्डर बना सकती हैं। तो ये देखिए, अब मैं सारी सिलाइयाँ जो हैं वो सीधे फंदे बुनते हुए बना रही हूँ। तो थोड़ी सी आपको बुन के मैं आपको सैंपल के तौर पे दिखा देती हूँ ये किस तरह से इसकी लुक आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ये देखिए, आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही सिलाई से थोड़ा सा डिफरेंट करने से आपका जो बॉर्डर की लुक है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी और बड़ा ही प्यारा बनकर आएगा। मैंने सारे फंदे जो है वो सीधे ही बुन लिए हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर अपना मनपसंद बॉर्डर बना सकती हैं। 1x1 रिब बनाइए, 2x2 बनाइए, 3x3 बनाइए, जो भी है। इसके लिए आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैंने ये हर तरह की रिब का डिज़ाइन उसमें डाला हुआ है। तो ये देखें, इस तरह से मैंने चार सिलाइयाँ ऊपर सीधे फंदे बुनते हुए बनाई हैं। तो ये इस तरह से हमारा बॉर्डर दिख रहा है स्टार्टिंग से। ये देखें, इस तरह से बड़े प्यारे फंदों का डिज़ाइन इस तरह से आता है, और जो उसमें होल दिखते हैं उससे ये बड़े प्यारे डिज़ाइन दिखना शुरू हो जाता है। ये देखें, पीछे से इस तरह से दिख रहा है और सीधी तरफ से इस तरह से दिख रहा है। आप इसको जरूर ट्राई करिए, अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे इसको इस्तेमाल करिए। ये बड़ा ही आसान है और बड़ी जल्दी झटपट बन जाता है। आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।